नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ सामक के चावलों की खीर। सामक के चावल की खीर बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। वर्ती या सामक के चावल 150 ग्राम, चीनी आधा कटोरी या स्वाद अनुसार, कटे बादाम 2 से 3 चम्मच, कटा पिस्ता 1 चम्मच, काजू 10 से 15 नग, किशमिश 10 से 15 नग, चिरौंजी 1 चम्मच, इलायची पाउडर 1/4 चम्मच, देसी घी 1 से 2 चम्मच, दूध 1 लीटर या आवश्यकता अनुसार। सबसे पहले चावलों को धोकर भिगो देंगे 20 मिनट के लिए और छलने से छानकर पानी से अलग कर देंगे और एक कपड़े पर फैलाकर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब गैस जलाएंगे और कढ़ाई में घी डालकर गरम करेंगे। अब इसमें वर्त के चावल डालेंगे और लगातार चलाते हुए मध्यम आंच पर 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे, हल्का सुनहरे रंग का होने तक। अब इसमें कटे बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता डालकर 2 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। अब इसमें चिरौंजी डालेंगे और 1 मिनट तक चलाते हुए दोबारा से भून लेंगे। अब इसमें आवश्यकता अनुसार दूध डालेंगे और लगातार चलाते हुए खीर को पकाएंगे। यदि आवश्यकता हो तो आप थोड़ा दूध और डाल लें। अब इसमें स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे और सामग्री को एक बार फिर से चलाएंगे। इसमें इलायची पाउडर डालकर एक बार चलाते हुए फिर से पकाएंगे। इसको बनाने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। अब गैस को बंद कर देंगे और एक कटोरी में खीर को निकाल लेंगे। अब कटे हुए बादाम, काजू, चिरौंजी, किशमिश और पिस्ते से सजाकर गर्मा गर्म या ठंडा करके परोसेंगे। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।